बिल्कुल डमी सीएम है, नायब सिंह सैनी डमी सीएम है। आप किसको जिताएंगे? सीक्रेट है। किसी की भी नहीं बन सकती? नहीं, किसी ना किसी की तो बनेगी जरूर। की डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। अभी तो मैं समझने आया हूँ आपसे, हरियाणा का वोटर समझाता ही नहीं है कि किधर। हरियाणा के उसे बड़े होशियार हैं, आपको ज्यादा पता है। होशियार है, होशियार हैं बहुत, तो वो जैसा मौका है वैसा काम करके चल अपना काम निकाल लेते हैं। राहुल गांधी भी हैं मैदान में, कह रहे कि अच्छा काम करेंगे और बढ़िया बना देंगे। बहुत अच्छी बात है, राहुल तो अच्छा बच्चा है, ठीक है, बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के चुनावों में आ गए। दिल्ली में तो मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का दावा करते हैं। दावा करते हैं तो अब करते तो हैं, कहाँ तक यहाँ हरियाणा में हल होता है उनका, पहले आते नहीं आते ये देख लो पहले। जो हिसाब से चल रहा है मामला, जो हिसाब से उनका इमेज अभी डाउन हुआ है। ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है, फरीदाबाद में राफ्टिंग कर। हाँ है ना, सही। हम तो गाड़ियाँ छोड़ के अब मोटरबोट लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि साल में 2 महीने तो मैं मोटरबोट यूज करूंगा। चुनाव जीतने के बाद आते हैं कैंडिडेट वापस? क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा तो अगली बार वो भी नहीं होगा। हरियाणा का तो ये हाल है कि हल्का सा पानी आ जाए, हल्की सी बारिश आ जाए तो पानी घुटनों घुटनों के ऊपर भर जाता है। एक अंडरपास है उसमें 2 लोगों की जान चली गई। ये हरियाणा में विकास की बात करते हैं, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बोलने वाले लोग हैं ये। हरियाणा में चुनाव अब अंतिम दौर पर है, तो चलिए लोगों से चलते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद की भड़कल विधानसभा सीट पर, जहाँ पर मैं सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों से बात करूंगा और समझेंगे कि हरियाणा में किसकी सरकार बनवा रहे हैं। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हरियाणा में, हरियाणा बदलाव चाहता है और हरियाणा बिल्कुल तैयार है। पिछले 2 सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था हरियाणा, और इस बार हुड्डा सरकार और कांग्रेस सरकार आने वाली है। और जिस विधानसभा में आप खड़े हों, यहाँ से प्रचंड जीत विजय प्रताप जी की होने जा रही है। खट्टर भी तो दावा कर रहे हैं, बीजेपी दावा कर रही है। अगर खट्टर जी इतना ही दावा करने वाले होते और इतने ही सच्चे होते तो उन्हें कुर्सी से हटाया नहीं जाता, उनकी जगह डमी सीएम को नहीं लाया जाता। आप डमी सीएम बता रहे हैं? जी बिल्कुल, डमी सीएम है नायब सिंह सैनी, डमी सीएम है। आप किसको जिताएंगे? सीक्रेट है। चलो, एक कैंडिडेट मिले ये फरीदाबाद के लिए, कह रहे कि सीक्रेट है। किस मुद्दे पे मतदान करेंगे? किस मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे मतदान करेंगे। हमारे यहाँ जो लोकल प्रॉब्लम है उसके मुद्दे पे मतदान करेंगे। जो हमारा काम करवा के देगा उसके उसको उसको वोट करेंगे हम लोग। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार किसकी बननी चाहिए ये तो पता लगेगा 5 तारीख के बाद। डाउट में है क्या? बिल्कुल डाउट में है। किसी की भी नहीं बन सकती? नहीं, किसी ना किसी की तो बनेगी जरूर। की डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। ओके सर, आप बताइए क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पे मतदान? डेवलपमेंट पे, एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, सड़कें, सीवर। जब तक हमें ये बेसिक चीज़ें ही नहीं मिलेंगी तो आप क्या डेवलपमेंट क्या करोगे? स्मार्ट सिटी है ना ये, जहाँ बिजली के बगैर स्मार्ट बना देते हो। इंटरनेट किस पे चलाओगे? बैटरी पे। सड़क नहीं है, गाड़ियाँ तो आप इतनी बड़ी बड़ी लॉन्च हो रही हैं, बिना सड़क पर चलेंगी। सीवर है, ओवरफ्लो करते हैं, तो क्या डेवलपमेंट मिल रही है 10 साल में? कहते हैं ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है, आप फरीदाबाद में राफ्टिंग कर सकते हैं। हाँ है ना, सही। हम तो गाड़ियाँ छोड़ के अब मोटरबोट लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि साल में 2 महीने तो मैं मोटरबोट यूज करने लगती। किसकी सरकार बननी चाहिए? कौन कर सकता है डेवलपमेंट? जो भी प्रत्याशी यहाँ पे काम करने को, डेवलपमेंट लाने को राजी होगा उसे वोट मिलेगा आपकी बार। वो मैं किसी पार्टी के साथ नहीं कहूँगा, ये तो इंडिविजुअल मत है, हर एक का कौन किसके साथ अलाइन होना चाहता है। लेकिन मेरे ख्याल से फरीदाबाद शहर के अंदर में अब लोगों ने ये समझ लिया है कि जो व्यक्ति डेवलपमेंट एजेंडा पे आएगा वो वोट पाएगा, खाली बातों से काम नहीं होगा। अगर वो कैंडिडेट जीत जाता है और उसकी सरकार नहीं बनी तो? देखिए, ये हमारा बैड लक होगा। हम कम से कम, अगर हमारा कैंडिडेट जीतता है, हम उससे सवाल तो पूछ सकते हैं, हमने आपको वोट दिया, चलिए आप बहुमत में नहीं है। चुनाव जीतने के बाद आते हैं कैंडिडेट वापस? क्यों नहीं आते? नहीं आएगा तो अगली बार वो भी नहीं होगा। अरे भाई साहब, आप पीछे छुप के खड़े हैं, इधर आइए, आगे आइए, बताइए क्या लग रहा है, कौन बनेगा, कौन बनाएगा सरकार? देखिए, ये तो बताना मुश्किल है सरकार कौन बनाएगा। एक साथ सोच करके आए हैं कि कुछ नहीं बताएंगे ना। लेकिन जो वोट पड़ेगा वो डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट पड़ेगा। अभी जो सिचुएशन, जो अभी यहाँ का फरीदाबाद का जो गंदगी हो गई, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम हो गया, यहाँ की जो रोड की डेवलपमेंट जो हो गई, वो धरातल में चला गया है। बीजेपी तो कह रही है कि हमने इतने बड़े बड़े रोड बना दिए। वो तो हम लोग यहाँ पे डेली आते जाते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं आते हैं, तो हमें पता है और हम देख रहे हैं। आपने इतने चुनाव देखे हैं, आप बताइए कि किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए?
उनके काम पे, जो बंदा काम किया है ना उस पर वोट देना चाहिए। ऐसे तो वोट मांगने वाले बहुत कुछ आ जाते हैं, जैसे विजय प्रताप ने कहा कि यार काम करेंगे, अगर वो काम करते हैं करेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर वो उसकी पार्टी ना भी आती है, अगर वो आते हैं और काम करते हैं तो बहुत बढ़िया है, फर्दर दे विल गेट मोर लोग ना और भी आगे बढ़ेंगे, और भी लोग देखने की कोशिश करेंगे कांग्रेस गवर्नमेंट आती है अच्छा काम करते हैं करके काम का गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी, जो बंदा जीतता है ना उसके ऊपर निर्भर है कि वो कैसा काम लें। जीतने के बाद तो कैंडिडेट कहते हैं कि हमारी सरकार आप बनी नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। उसका मतलब बेवकूफ़ी है बोलने वाली कि वो काम नहीं कर सकता। मतलब अब तक तो यही हो रहा है, जो हो रहा है तो अभी आदमी के ऊपर है, देखते पॉइंट से मोमेंटम है। पिछले 10 साल में जैसा सुनते आ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी और नेशनल लेवल पे भी, तो लगता है दोनों इंजन दोनों साइड चल रहे हैं, एक साइड तो चल नहीं रहे, वरना तो दिखता। नाराज हैं आप मोदी जी से? नहीं, मैं मोदी जी से नाराज नहीं हूँ, मोदी जी से खुश है। देखिए प्रधानमंत्री हमारे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। डबल इंजन कहाँ से आया? डबल इंजन की सरकार का मतलब है, जैसा हमें समझाया गया कि प्रदेश में भी और केंद्र में भी एक ही पार्टी की सरकार है, तो स्पीड और प्रोग्रेस जो है वो डबल होनी चाहिए। यहाँ तो मुझे तो हाफ भी नहीं लगी, चौथाई भी नहीं लगी। डबल इंजन की सरकार कहती है कि कांग्रेस की सरकार में तो बहुत घोटाले हुए हैं। साहब ये मुद्दा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसका देखने का, मैं एज अ कॉमन मैन मैं यहाँ पे रूट कॉज नहीं देखने आया, मैं यहाँ डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ, एक हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज, पिछले 10 साल में आपने देखा? आप एक नाम गिना दो। आप बीके हॉस्पिटल गए कभी? एक ही हमारा सरकारी अस्पताल है फरीदाबाद में, बादशाह खान, आप कभी गए हैं? पूरी फरीदाबाद लोकसभा में केवल एक अस्पताल है। आप जाइए ना, देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप एक बारी सूरजकुंड बॉर्डर से लेकर शाम के वक्त और सुबह के वक्त, सूरजकुंड बॉर्डर से लेकर चामवुड तक एक बारी एक वीडियोग्राफी करें, जिस रोड के ऊपर कमर्शियल व्हीकल 24 घंटे बैन है, इस सरकार के आने के बाद से 24 घंटे उस रोड के ऊपर कमर्शियल व्हीकल चलते हैं, ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? जाम की ज़्यादा समस्या है। जाम, मैं आपसे जाम, पानी, वाटर लॉगिंग, कूड़ा, आपसे निवेदन है, आप सिर्फ हमारे साथ का एक MCF ग्राउंड का एक वीडियो बनाएं और इसे चलाएं। रावण जलेंगे, आप देखिए इसके पीछे, ये आप देखिए कितना मलबा है वहाँ पर, साफ सफाई मलबा गिरा हुआ है। आप क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? देखिए अब तो आपने भी सुना, अब जो लोग हैं वोट उन्हीं को देंगे जो काम करेंगे। अगर मुझे लग रहा है कि इन सब के दबाव में आके जो इन्होंने बोला आप भी वही हो, नहीं दबाव कि अलग जाऊंगा तो रहना तो सोसाइटी में ही है भाई, एक ही सोसाइटी में हम सबका एक ही व्यू रहता है, हम ऐसा नहीं हो सकता, व्यू नहीं रखते हैं, नहीं हम तो एक साथ ही रहते हैं और एक ही व्यू है, क्योंकि सब लोग देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम है, अगर जो प्रॉब्लम है वो सब लोगों की होती है, एक की तो होती है। आपको पर्सनली क्या प्रॉब्लम आती है? ऑफिस जाते हैं आप? देखो एक तो जैसे एक कूड़े की बात कर रहे हैं, जैसे हम बालकनी में कभी बैठते हैं तो ये सारा कूड़ा दिखता है, तो वो हमें प्रॉब्लम करता है, तो ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए यहाँ से, क्या ताकि व्यू अच्छा हो, सांस ले पाएँ। अभी जैसे पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, एक तो वो वाला, हाँ एक तो वो पॉल्यूशन है, एक ये पीछे डेब्रिस का वो आ जाता है, धूल मट्टी, तो क्रशर चल रहे हैं। अब जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो लोग कहाँ जाएँ? कई बार यहाँ पर सोसाइटी में बैठ के आपको मतलब एयर प्योरीफायर चला चला के बैठना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे धुआं और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए, तो क्लीन करेंगे तो सबके लिए अच्छा है। जो यहाँ पे कई बार फॉरेनर भी आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े होटल है, फॉरेनर आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे कूड़ा रखा हुआ है, तो ग्लोबली हमारी जो इमेज है वो ख़राब होती है। तो एटलीस्ट जैसे सूरजकुंड का एरिया है, यहाँ का एरिया है, उसे क्लीन रखो, थोड़ी सजावट करो, ताकि रेजिडेंट्स को भी अच्छा लगे और हमारे कंट्री की भी इमेज अच्छी हो। तो कौन करेगा अच्छा भाई? ये तो जो करेगा काम उसी को वोट मिलेगा। आप बार बार हमसे पूछ रहे हो किसको देना है, हमारा यही जवाब है। ये सब अभी अभी आपके पास समय है बताने का, अभी आप समस्या बताएंगे कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा कर रहा है। हो सकता है कि आगे जाके आपकी सरकार बात सुने। नहीं, जो काम करेगा वो रुकेगा, जो काम नहीं करेगा वो चला जाएगा। अब ये पुराना जमाना चला गया कि जी हम इसी को वोट देंगे, जो काम करेगा वो उसको वोट मिलेगा, नहीं करेगा तो अगली बार वोट नहीं मिलेगा। काम तो मोदी जी क्लेम करते हैं हम कर रहे हैं। अब वही तो अभी देखो, अभी हमारे सीनियर ने बताया मोदी जी तो प्रधानमंत्री हो गए ना, उनको आप क्यों रिलेट कर रहे हो इतनी छोटी मोटी? पूरे चुनाव में हरियाणा में मोदी जी रैली कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है बीजेपी। हाँ तो चेहरा तो वही है, चेहरा तो वो है, मगर मोदी जी सारी जगह तो काम नहीं करेंगे, वो डेलीगेट करते हैं। अगर और लोग काम नहीं करते हैं, मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ मैं तो उनसे सेटिस्फाइड हूँ। नायब सैनी उनके बारे में नहीं पता मुझे। हुड्डा
मैं उनके और नहीं देखता भैया, हम तो प्रधानमंत्री को देखते हैं, उनसे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं। देखिए आप फंस गए, अब आपने खुद बोला, आपने खुद ही बोला कि देखिए मोदी जी तो प्रधानमंत्री हर जगह नहीं जा सकते, ठीक है। सैनी जी पे आप बोले कि हमें नहीं पता, हरियाणा में तो आप नहीं किया, हरियाणा में तो आप ही रह रहे हैं, वोटिंग आप यहीं करेंगे। हम यहाँ करेंगे मगर हम एक एक कोने में जाते नहीं, हम तो आसपास की जगह देखते हैं। तो ये देखते हैं, अब आपने दो टॉपिक की बात करी, तो आपने मोदी जी का बात किया, तो मैं फिर मोदी जी से रिलेट फरीदाबाद चामुंड से नहीं करता, एज अ कंट्री करता हूँ। तो एज अ कंट्री तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, ग्लोबली हमारी इतनी वैल्यू है ना, आप किसी भी कंट्री में जाओ तो लोग मोदी जी का नाम जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने हमारे लिए किया, तो मैं उनसे सेटिस्फाइड हूँ। चलिए, तो हरियाणा का वोटर बहुत समझदार है, तो कह रहे कि मोदी जी ने तो अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है आपको, आपने इतने सारे चुनाव देखे हैं, आपको वाकई क्या लगता है कि भाई आपने मतलब देखा होगा तो मेरे हिसाब से जब ये बिल्डिंगें भी नहीं होंगी, उसके बाद आज बिल्डिंगें हैं, अब रोड्स बन गए हैं, समस्या तो है क्योंकि रोड टूटे हुए हैं, पानी भरता है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम बोलें ये बताइए। हम चाहते हैं कि आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं। देखो सरकार बनाना हम लोगों का नाम नहीं है, सरकार तो खुद बनती है जो हिसाब से लोग पब्लिक वोट करती है, सरकार बनाना हमारा काम है, हमारा काम है, लेकिन सारे मिले होते हैं सारे किसी को कुछ देते हैं, मेरे को नहीं पता। आप बोलते हैं कि हम जैसे मोदी की तारीफ की अच्छी बात है, कोई बोलेगा फलानी तारीफ, तारीफ करने से कुछ नहीं होता, काम को देख के करना होता है, कौन वोट देता है कौन नहीं देता है वो देखना पड़ता है। वही तो मैं समझने आया हूँ आपसे, हरियाणा का वोटर समझाता ही नहीं है कि किधर। हरियाणा के बड़े होशियार हैं, आपको ज़्यादा पता है, होशियार हैं वोट, तो वो जैसा मौका है वैसा काम करके चले, अपना काम निकाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अपना काम निकलवा लेते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं, यूं तो काम निकाल लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बंदा जैसा विजय प्रताप ने जो कहा, अगर वो आने के बाद चाहे वो उनकी गवर्नमेंट बने ना बने, अगर वही एमपी एमएलए बन जाते हैं तो उनमें लियाकत है, मैंने ये देखा है बंदा लियाकत है, लियाकत से कर सकता है काम, लेकिन अब उनकी मर्जी है कि जब आगे अगर चाहते हैं कि आगे उनको वोट बने, आगे उनका और कांग्रेस आगे तो कल बने, पॉलिटिक्स ऐसा है कि आज कांग्रेस होती है कल बीजेपी होती है, ऐसे ही चल रहा है मामला कहीं भी देखा जाए तो अब वो चाहते हैं कि परमानेंट लीजिए, तो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने के लिए ना वी शुड वर्क हुवर एमएलए कम्स विदर इस पर बीजेपी या एमएलए फुल 100% फॉर दिस कॉलोनी। कि मैं राहुल गांधी भी हैं मैदान में, कह रहे हैं कि अच्छा काम करेंगे और बढ़िया बना देंगे, बहुत अच्छी बात है, राहुल तो अच्छा बच्चा है, ठीक है बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के चुनावों में आ गए, दिल्ली में तो मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का दावा करते हैं, दावा करते हैं तो अब करते तो हैं, अब कहाँ तक यहाँ हरियाणा में हल होता है उनका, पहले आते नहीं आते ये देख लो, पहले जो हिसाब से चल रहा है मामला, जो हिसाब से उनका इमेज अभी डाउन हुआ है जब से ये इन्होंने जेल में गए, जब से चाहे फॉल्स हो चाहे कुछ भी हो, हरियाणा में कोई उनका जनाधार है लेकिन उतना नहीं है जितना पहले था। चलिए एक और युवा हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर, क्या भैया फ़ोन में ज़्यादा बिजी है? नहीं देखिए क्या क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं कि दावे कर रहे हैं बीजेपी, बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम तो सरकार बनाएंगे और डबल इंजन की, आप यंग है, पहला चुनाव आपका दूसरा है? नहीं मैंने तो 3 बार वोट किया है इससे पहले, लेकिन बीजेपी ने तो 400 पार का भी नारा दिया था, खुश हो गया 240 पर आकर सिमट गई, और हम ये दावा कर रहे हैं, हम नहीं हरियाणा की जनता ये दावा कर रही है कि वो बदलाव चाहती है। आपने बीते समय में देखा था किस तरीके से पहलवानों को अपमानित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया था, किस तरीके से किसानों को अपमानित करने का काम, जो तो कह रहे कि पॉलिटिक्स थी, अब विनेश फोगाट देखिए कांग्रेस में आ गई, जी देखिए जो इस देश को अन्न देता है आपने उसका अपमान किया, आपने उसके बारे में क्या क्या गलत शब्द नहीं बोले, भारतीय जनता पार्टी के ही काफ़ी नेता और नेत्री थे जिन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल उन किसानों के लिए किया जो बैठे हुए थे बॉर्डर पर, और आपने बोला कांग्रेस में आ गई। देखिए हर आदमी इज्जत चाहता है, उन्होंने देश के लिए देश के बाहर बहुत नाम रोशन किया है, क्या वो इज्जत नहीं चाहते? जब उनके साथ गलत हुआ प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट नहीं किया, उन्हें बधाई तक नहीं दी, उन्हें हौसला अफजाई नहीं किया, तो ये नाराजगी है विनेश फोगाट को लेकर के भाई प्रधानमंत्री ने उनको बधाई नहीं दी, फोन नहीं किया, उनके साथ अपमान। देखिए नाराजगी पूरे हरियाणा मुद्दे पर है, चुनाव बिल्कुल है, जो मुद्दा देश के लिए महत्वपूर्ण है वो हर मुद्दा हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। आप देखिए महंगाई लगातार बढ़ रही है और हरियाणा का तो ये हाल है कि हल्का सा पानी आ जाए, हल्की सी बारिश आ जाए तो पानी घुटनों घुटनों के ऊपर भर जाता है। मैं फरीदाबाद में देखा और जब 2 लोगों की जान चली गई, एक अंडर पास है उसमें 2 लोगों की जान चली गई, ये हरियाणा में विकास की बात करते हैं? फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बोलने वाले लोग हैं ये हकीकत है आज की डेट में। तो चलिए जैसे कि आपने देखा फरीदाबाद में जनता का क्या है मूड,
कल आचार संहिता लग जाएगी, 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को एक नई सरकार का गठन होगा। सबके सामने आ जाएगा सरकार कौन बना रहा है, किसके दावे में कितनी सच्चाई है। सब दावे कर रहे हैं हरियाणा में, आम आदमी पार्टी, BSP, INLD, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, BJP। मुख्यतः जो लड़ाई है वो कांग्रेस और BJP के बीच में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हो चुकी है, अमित शाह की भी रैली हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी आ चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी की भी रैली हो चुकी है, दीपेंद्र हुड्डा, सचिन पायलट, तमाम लोग राजनीतिक अखाड़े में हैं। हरियाणा की जनता 8 तारीख को तय कर देगी और देश में पता चल जाएगा कि हरियाणा में BJP तीसरी बार हैट्रिक लगाती है या कांग्रेस का खाता खुलता है। कैमरामैन सुशील के साथ दीपक प्रजापत, इंडिया TV, फरीदाबाद।